सुमंत कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुमंत, एक बड़ा अनोखा प्रदर्शन भी हमें देखने को मिल रहा है दिल्ली विधानसभा के स्पेशल सेशन के दौरान, विधायकों का आम आदमी पार्टी के अलग ही रूप नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए ये प्रदर्शन तो दिख ही रहा है। मैं भी केजरीवाल के टी शर्ट में विधायक हैं, अभी भी विधायकों के आने का सिलसिला समीर जारी है। लेकिन सबसे बड़ी बात, आज जो ये विशेष सत्र बुलाया गया है समीर, ये बेहद हंगामेदार रहने के आसार हैं, क्योंकि जिस तरह से ईडी के कस्टडी से अरविंद केजरीवाल जो आदेश दे रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, निश्चित रूप से बीजेपी इसका विरोध कर रही है। बीजेपी विधायकों ने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी इसकी शिकायत की है। तो आज जिस तरह से अरविंद केजरीवाल के निर्देश पे दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं पर चर्चा के लिए जो विशेष सत्र बुलाया गया है, तो ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये सत्र बेहद हंगामेदार रहने के आसार हैं, और जो बीजेपी के विधायक हैं वो इस सत्र में इस मुद्दे पर आक्रामक रुख अख्तियार कर सकते हैं। जिस तरह से जो सौरभ भारद्वाज ने कहा कि ईडी कस्टडी में रहते हुए अब मुख्यमंत्री को कितनी चिंता है, और आज जो बताया जा रहा है समीर कि दिल्ली के अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिकों में दवाओं की क्या स्थिति है, मुफ्त टेस्ट की क्या स्थिति है, इसकी पूरी रिपोर्ट जो स्वास्थ्य चर्चा होगी। चर्चा अमिताभ जी हमारे साथ यहाँ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी से। अमिताभ जी, विरोध का एक अनोखा तरीका, कुछ आम आदमी पार्टी के विधायक तो हाथों में बेड़ियां बांध कर आए हैं, मैं भी केजरीवाल, ये नारे ये टी शर्ट पर लिखा हुआ, मतलब पॉलिटिकली इस पूरे एपिसोड का फायदा उठाने की कोशिश भी करने की तैयारी साफ तौर पर नजर आ रही है। बीजेपी कैसे मुकाबला करेगी पॉलिटिकली? समीर जी, मैं क्षमा प्रार्थना के साथ आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं जी। मुझे यहाँ पर इसके कानूनी पहलू के बारे में आकलन करने के लिए यदि इजाजत देंगे तो मुझे ज्यादा आसानी होगी करने की, क्योंकि ये कानूनी ही पहलू है। हाँ। राजनीतिक पहलू इसका कुछ है ही नहीं। हाँ। कानूनी पहलू ये है समीर जी, धन्यवाद आपने मुझे मौका दिया। कानूनी पहलू ये है कि ये एक, जिसको भारत में समानता का अधिकार जो है वो संविधान की गारंटी देता है, संविधान ने गारंटी दे रखी है। अब ये जो आप आदमी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि संविधान से शासन चलेगा। संविधान के शासन में क्या कहता है कि हर व्यक्ति बराबर है, अरविंद केजरीवाल भी बराबर हैं इसके, तो मनीष सिसोदिया के, सत्येंद्र जैन के। मुझे ये बताइए कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन से इन्होंने इस्तीफा क्यों लिया? क्या मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जो हिरासत में गए, जेल गए, तो उसके बाद क्या उनसे इस्तीफा लेना इनके इसी मानदंड, इसी पैरामीटर, इसी यार्डस्टिक से सही था? ये इसका मतलब है सौतेला व्यवहार वो अपने ही पार्टी के बाकी कार्यकर्ताओं से, सभी विधायकों से करेंगे। अरविंद केजरीवाल के अलावा आप पार्टी में और कोई नहीं है जो जो महत्वपूर्ण है, ये इस पूरे आज के या पिछले कुछ दिनों नहीं, लेकिन अमिताभ जी, कानूनी जानकार के तौर पर आप ये तो मानेंगे कि भारत का कानून, भारत का संविधान अरविंद केजरीवाल को यह हक देता है कि वो जेल में रहकर भी सरकार चला पाए तब तक जब तक वो दोषी साबित नहीं हो जाते। समीर जी, यही मैंने यही तो कहा कि तो यही यार्डस्टिक, यही मानदंड तो मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन पर भी लगना चाहिए था। चलिए ये इनका अंदरूनी मामला है, बाकी के आपके लोग जो भी हैं वो समझें। हाँ। यदि बाकी जाएंगे जेल तो उनको तो लात मार दिया जाएगा। अरविंद केजरीवाल ही सिर्फ एकमात्र व्यक्ति है जो महत्वपूर्ण है। अब मैं बताऊं इसके कानूनी पहलू पे। कानूनी पहलू यह है कि भारत का संविधान जो है वो लिखित संविधान है, लेकिन यहाँ के कानून में हम लोग भी बात करते हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है जो संवैधानिक कानून है, और एक कस्टमरी लॉ है जो पारंपरिक कानून है। कस्टमरी लॉ यह कहता है जहां पर कि संविधान वो हो जाता है, साइलेंट हो जाता है, वहां पर यदि कुछ नहीं कहता, मूक है, तो वहां पर कस्टमरी लॉ प्रिवेलेंट हो जाते हैं। कस्टमरी लॉ यह कहता है कि यदि कोई भी देश का कोई भ्रष्टाचारी हो, यदि उसको जेल, किसी भी अधिकारी, आईएएस है, आईपीएस है, यदि वो जेल चला जाता है, तो जेल में जाने के बाद में उसकी 24 घंटे ज्यादा यदि हिरासत में चला गया तो उसको निलंबन उसका हो जाता है, यानी कि वो अपने शासन में अपना काम नहीं कर पाएगा। एक मिनट, तो जी कुछ कह रहे हैं, अमिताभ जी रोक रही हूँ आप। पर छापे डाले जा रहे हैं, हमारे 4 शीर्ष नेता जेल के अंदर बंद हैं, आज भी हमारे लोगों को बाहर निकलने से रोका जा रहा है, प्रोटेस्ट के अंदर पुलिस बर्बरता कर रही है, यहाँ तक कि जर्नलिस्ट के ऊपर भी पुलिस हाथ उठा रही है। एक जर्नलिस्ट का हाथ फ्रैक्चर हो गया, एक जर्नलिस्ट के गले पे हाथ आपने देखा वरिष्ठ पुलिस ऑफिसर ने डाला। ये सब लोग तानाशाही की जो पराकाष्ठा है उसको पार कर रहे हैं। देखिए, लगातार आम आदमी पार्टी पे दबाव बनाने की कोशिश है कि मुख्यमंत्री गिरफ्तार, उप मुख्यमंत्री गिरफ्तार, मंत्री गिरफ्तार, संजय सिंह गिरफ्तार, अब किसी तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार को
गिराने की कोशिश चल रही है, विधायकों पे प्रेशर डालने की कोशिश चल रही है, मगर ये आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, ये डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। और आप देखोगे आने वाले दिनों में पूरा भारत अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ खड़ा होगा। तो सौरभ भारद्वाज येलो कलर की टी शर्ट पहन के मैं भी केजरीवाल हूँ, इस तरह से ये बात लिखी गई है टी शर्ट के जरिए, और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी कई इस तरह की टी शर्ट पहने हुए हैं। सौरभ भारद्वाज ने बड़ी बात ये कही। आकू जी मैं आपके पास आ रही हूँ, आकू श्रीवास्तव जी हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर जुड़े हैं। आकू जी साफ तौर पर आम आदमी पार्टी एक सेकेंड अमिताभ जी, अच्छा ठीक है आप अपनी बात पूरी करिए फिर मैं आकू जी के पास जा रहा हूं। मैं इतना ही कर रहा हूं कि बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए मैं वरना मैं कानूनी पहलू आप बता रहे थे जी। वही देखिए कस्टमरी लॉ यानी कि पारंपरिक कानून कहता है कि उसमें जो चीजें साइलेंट है यानी कि जिसमें संविधान मुख है लिखित संविधान, वहां पर जो पारंपरिक संविधान है वो काम करता है कानून। और यहाँ पर कोई भी चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो यानी नौकरशाह हो या फिर नेता हो मंत्री हो, यदि वो गिरफ्तार हो जाता है 24 घंटे से ज्यादा रहता है तो ये एक कस्टमरी लॉ है कि उसको निलंबित कर दिया जाता है, उसके ऊपर से सरकारी अधिकार छीन लिए जाते हैं। तो ये बात यदि मनीष सिसोदिया पर लागू है, तरीका यही है कानून के हिसाब से कस्टमरी लॉ है, कस्टमरी लॉ तो यदि मनीष सिसोदिया पर लागू है, यदि वो सत्येंद्र पर लागू है तो ये अरविंद केजरीवाल पे क्यों नहीं लागू? सवाल उठाया आकू जी, साफ तौर पर ये कहा गया जब मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए उन्होंने इस्तीफा दिया, नया शिक्षा मंत्री बना। गणेंद्र जी आऊंगे आपके पास, पहले आकू जी से मैं रिएक्शन लूंगी, फिर उसके बाद जब सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई थी उन्होंने भी अपना पद छोड़ा हेल्थ मिनिस्टर के तौर पर, तो अरविंद केजरीवाल ने अपना पद क्यों नहीं छोड़ा है आपसे सवाल आकू जी। देखिए अगर अरविंद केजरीवाल पद छोड़ देंगे तो बचेगा क्या, तो ये अच्छी बात है भारतीय राजनीति में, ये बड़ा अच्छा चल रहा है तुम्हें कि जैसे पीली शर्ट पहन के आ रहे हैं, तो शहीद भगत सिंह का रंग वो पीली पगड़ पहना करते थे और इस तरीके से दिखाया जा रहा है कि भगत सिंह है। और आज के जमाने में भगत सिंह, हम ये जरूर चाहते हैं कि हमारा पड़ोसी भगत सिंह हो, लेकिन आम आदमी के कार्यकर्ता और नेता अगर भगत सिंह बनने की कोशिश कर रहे हैं तो ये राजनीति में नया आयाम होगा, देखना होगा कि किस हद तक जा सकते हैं भगत सिंह बनने के लिए, किस हद तक जाते हैं, ये बड़ा रोचक होगा। और इसको आज के लिए नहीं, इस चुनाव के लिए नहीं, बल्कि आने वाले चुनाव में भी होगा, लेकिन वही है कि कितनी दूर तक आप जाते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होगा, ये आसान काम नहीं है। और खास तौर से नियम कानून के रहते जेल से आप सरकार नहीं चला सकते बहुत ज़्यादा दिन तक प्रैक्टिकली, क्योंकि आप अफसरों को नहीं बुला सकते, मंत्रियों के साथ नहीं बात कर सकते, और आप एक जेनरिक जरूर आदेश पारित कर सकते हैं। जेनरिक का मतलब पानी दे दो, दवा दे दो, तो ये तो बहुत सामान्य सी प्रक्रिया है जो एक सिस्टम में होते हुए चल रहा है, लेकिन क्या कोई नया कानून लागू कर सकते हैं, क्या कोई और नई बात कर सकते हैं? मुझे आज एक लगता ऐसा है कि पूरी सॉलिडेरिटी दिखाई जाएगी आज के विधानसभा के सत्र में केजरीवाल के पास में, और केजरीवाल को ये किया जाएगा कि हाँ आप ऐसे ही चलते रहिए, आप एक क्रांति का रूप धारण किए रहिए।